हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल गिव टिप्स फॉर यू। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। हेलो सर, जो हमारे साथ अपनी बहुत इंटरेस्टिंग हॉबी शेयर करने जा रहे हैं। बहुत सारे मेरे जैसे लोग होंगे जिन्हें अपने घर पे फिश एक्वेरियम रखने का बहुत शौक होगा, बट जगह नहीं मिल पा रही होगी या सोच रहे होंगे कैसे मेंटेन करें। उसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे कि आप एग्जैक्टली आप कैसे उसे साफ कर सकते हैं, कैसे लो मेंटेनेंस में आप अपने फिशेस को अच्छे से ध्यान रख सकते हैं और बड़ा एक्वेरियम ना लेते हुए इस टाइप से छोटा एक्वेरियम भी अपने घर पे रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए और देखते हैं कैसे हम जीरो मेंटेनेंस में अपने फिश को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि हम कैसे फिशेस को घर पे रख सकते हैं और बड़ा एक्वेरियम ना लेते हुए इस छोटे से एक्वेरियम को भी हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। घर में अगर जगह नहीं है, आजकल जैसे शहरों में कम जगह है, तो उसे देखते हुए हम कम जगह में भी एक छोटा सा एक्वेरियम अपने पास रख सकते हैं, उसे मेंटेन भी कर सकते हैं। बहुत ही लो कॉस्ट पर छोटा एक्वेरियम मेंटेन हो सकता है, और क्योंकि उसके भी कई रीजन है। हम ऐसी फिशेज लेके आएंगे जिन्हें कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कम फूड की जरूरत होती है और मेंटेनेंस उनका लगभग ना के बराबर होता है। जैसे कि बेटा फिश है, गप्पी फिश है, तो इस तरह की फिशेज जो आप देख रहे हैं इसमें बेटा फिश दिखाई दे रही है, गप्पी फिशेज दिखाई दे रही है। ब्लू एंड रेड में गाइस ये बेटा फिश है और ये छोटी छोटी जो फिशेज दिख रही है ये है गप्पी फिश। ये तीनों फिश लो मेंटेनेंस फिश है। बेटा फिश अलग अलग डिफरेंट कलर्स में आती है, कई कलर्स में ये बेटा फिश आती है, तो हम जैसे हमें जो कलर अच्छा लगे उस तरह कलर में हम ला सकते हैं, इसे रख सकते हैं। सिंपल फूड एक दाना दो दाने बस एक्वेरियम में डालना होता है, बहुत ज्यादा डालना नहीं होता है। यानी आपका 50-100 रुपए का दाना आपका जो उसका फूड है वो आपको कम से कम 2 महीने चलेगा। तो आप 100 रुपए में 2 महीने का मेंटेनेंस इसका है, कोई बहुत ज्यादा मेंटेनेंस नहीं है। सफाई करना भी इसका बहुत आसान है। कुछ लोगों को डर लगता है साफ करने में कि हम उसके हाथ से नहीं पकड़ सकते, इस तरह की दिक्कत आती है, तो उनके लिए बताना चाहूंगा कि हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा थोड़ा सा सामान हमें चाहिए जिसके द्वारा हम फिश टैंक को साफ कर सकते हैं, और मैं फिश टैंक को अभी आपको साफ करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम फिशेज को बिना टच किए बड़े आसानी से कैसे साफ कर सकते हैं। ना ही फिश कहीं गिरेगी, ना ही कोई डैमेज होगी फिश, ना ही कोई परेशानी होगी। और सर, जो आपने खाने के बारे में बताया है, तो हमें खाना कैसे देना है, मतलब वो जो बॉल्स होती है उनकी? देखिए, जो फिश फूड जो आता है वो हम फिश फूड भी दे सकते हैं। फिश फूड भी दो तरह के आते हैं। अच्छा। एक तो नॉन वेज में आता है, जैसे ड्राई क्रेप्स आते हैं, फिशेज आती हैं, वो खिला सकते हैं, या फिर वेज फूड आता है इसके वो दे सकते हैं। इसके अलावा हम हरा धनिया, बहुत फिशेज बड़े चाव से लेती हैं, हेल्दी रहती है उसे, तो हरा धनिया भी खिला सकते हैं, पत्तियां कुछ डाल सकते हैं। इसके अलावा उबले हुए चावल, अगर दाना नहीं है वाइचर साहब के पास, उबले हुए चावल भी डाल सकते हैं, वो भी फिशेज बड़े प्यार से खाते हैं। देखा गाइस आपने कि आपको अगर नहीं टाइम मिल पा रहा है कि फिशेस के लिए फूड लेके आ पाए, तो घर पे बहुत इजीली अवेलेबल जो हरा धनिया होता है, जो चावल के दाने होते हैं, उसे भी आप डाल सकते हैं और अपने फिशेस को अच्छे से खाना दे सकते हैं। सर, एक मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया है कि हमें फिशेस जो फिश एक्वेरियम हम घर पे रखते हैं, तो उसके घर पे रखने का क्या फायदा है, मतलब कुछ क्या हमें अच्छा कुछ फायदा भी मिलता है? देखिए, वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग लोग कहते हैं कि फिशेस कोई हमारे ऊपर परेशानी आती तो वो अपने ऊपर ले लेती है, खुद मर जाती है। लेकिन मैं इन चीजों से ऊपर यही कहना चाहूंगा कि आजकल की जो लाइफ है हमारी बड़ा ही टेंशन वाली लाइफ है। दिन भर काम से आते हैं, लौटते घर आते हैं, तो बड़ा ही एंग्जायटी, टेंशन, IBP ये समस्या आने लगी है। तो ऐसे में आप बस 15 मिनट आप फिश टैंक के पास बैठिए, आपकी एंग्जायटी बिल्कुल रिलैक्स आ जाएगा। आप फिशेज को देखिए, 15 मिनट देखिए, 15 मिनट में आपको दिखाई लगेगा कि मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मेरा ब्रेन बहुत रिलैक्स हो रहा है, साथ में BP भी कंट्रोल होने लगता है। इस तरह से आप जो रिलैक्स होंगे तो BP भी कंट्रोल होगा आपका। अगर किसी को रात को नींद नहीं आती है, कम नींद आती है, तो देखा गया है, ये रिजल्ट है, खुद मैंने देखा है, लोगों से फील किया है कि आप 15-20 मिनट फिशेज को आप देखिए सोने से पहले, तो आपको अपने आप नॉर्मल नींद आने लगी, दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली केसेस में ऐसा देखने में आया है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि हम एंग्जायटी वाली लाइफ में स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। एक फिश टैंक रख कर आता है। तो सर, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हमें जल्दी बता दीजिए कि हम कैसे इस फिशेस को की वाटर को निकाल के इसमें अच्छा पानी रख सकते हैं और कैसे हम इसको साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे एक बार फिश टैंक को साफ करके आपको दिखाता हूँ। दरअसल वैसे तो नल पर जाके साफ करते हैं, लेकिन नल पर ना करके, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हमारी मछली नाली में चली जाएगी या उधर उछल जाएगी, कई बात ऐसी होती है। तो हम इसे अपने घर में टेबल पर रखकर साफ करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से साफ कर रहे हैं। तो इसके लिए आपका एक्वेरियम है और मैंने टैंक इसके टब के ऊपर ही रखा हुआ है, एक टब है। चाहे तो आप छोटा टब ले सकते हैं, छोटा टब नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा बड़े टब में करके दिखा रहा हूँ मैं। एक मग है आपके पास, एक चाय वाली जाली है जो कि पुरानी जाली कोई भी घर में पड़ी हो आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम किस तरह से इसे साफ करेंगे।
सस्वीर इस एक्वेरियम उठाएं, क्योंकि छोटा एक्वेरियम हम हाथ में से ले सकते हैं, मछली कोई गिर ना जाए इसलिए। देखिए थोड़ा सा कैमरा आगे लाइए सर, देखिए हम इसे पानी को इसमें पलट रहे हैं, इसके साथ फिश भी इसमें आ जाएंगी, देखिए फिश भी इसमें आ जाएंगी। जब मक्खियां फिश आ गई सारी सारी, थोड़ा प्रेशर पानी डालेंगे तो मक्खियां फिश आ गई हमारी, कहीं कोई फिश गिरी नहीं है, ना ही कोई डैमेज हो रही फिश। इस पानी को मक्खी को हम अलग रख देंगे और बाकी के वेस्टेज पानी को हम नाली में फेंक देंगे ले जाकर, या हम इसी में कर दे रहे हैं फिलहाल। अब देखिए हम नया जो गंदगी है वो निकल जाएगी इसमें, अब देखिए इसमें हम नया पानी लेके आ रहे हैं। इस तरह मैंने दिखाई है, देखिए कितनी गंदगी है पानी में, नीचे तली का पानी था कितनी गंदगी है इसमें, मछली फूड डाला गया तो उसी गंदगी है, वेस्टेज प्रोडक्ट भी इनके जो इसमें है। अब देखिए हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे आराम से, जग में कुछ सीड्स वगैरह सेल्स वगैरह डाले गए हैं, आप चाहे तो उन्हें निकाल सकते हैं अलग, जैसे ये निकाल दिया। देखिए इसके अंदर सेल्स वगैरह जो भी पड़े थे वो मैंने निकाल दिए हैं, बिल्कुल फ्री हो गया। देखिए थोड़ा पानी डालिए इसमें, बस 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 बस, हम इस टैंक को चाहे तो अपने हाथों से आराम से साफ कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमारी फिशेज अलग रखी हुई है। ये मेरे लिए बड़ा बेस्ट है सर, बिकॉज मैं बड़े फिश एक्वेरियम को सच में नहीं मेंटेन कर पाती, बट ये शायद इसमें कोई ऐसा लो कॉस्ट है कुछ है नहीं, इसमें बड़े आराम से आप मेंटेन कर सकते हैं। देखिए मैंने सारी गंदगी इसमें निकाल दी है, अब जो सेल्स पड़े हुए हैं सेल्स को मैं निकाल लेता हूँ। बस ये सेल्स मैंने धो दिए हैं, इन सेल्स को फिर से कर देता हूँ, डाल देता हूँ। अब देखिए चूंकि इस फिश का जो पानी था, तो इस पानी को हम छलनी लगाएंगे जो कि फिश इसमें ना गिरे या फर्श में कर रहे हैं कहीं ना गिरे, तो पानी निकाल देंगे थोड़ा, मछली आएगी रोक लेंगे हम फिर से, और लगभग जो आधा पानी है इसका हम आधे से थोड़ा कम पानी इस फिश टैंक में फिर से डालेंगे, क्योंकि दरअसल हम अगर पूरा पानी एक साथ चेंज करते हैं तो टेम्परेचर शॉक में जाने के चांसेस रहते हैं फिश के, तो वैसी स्थिति में पानी पूरा ना बदल के आधा पानी बदलेंगे, साफ पानी ऊपर जो लिया था हमने वो इस फिश टैंक में देखिए इस तरह से डालेंगे, मछली को चोट ना लगे, मछली डैमेज ना हो, बड़े आराम से फिश टैंक में मछली पहुंच जाए हमारे। देखिए क्या बात है, इस टैंक में पानी फिल कर देंगे, पानी थोड़ा ऊपर से डालेंगे, इससे क्या कि पानी जब ऊपर थोड़ा सा गिरेगा तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो मिक्स हो जाएगी पानी में, बेहद कम ऑक्सीजन पड़ते हैं, हम थोड़ा सा ऑक्सीजन ज्यादा पानी कर सकते हैं इसे। देखिए फिशेस को वापस टैंक में जो आपने ऐड किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फिश को टच नहीं कर पाते होंगे, तो और उनके सामने ये बड़ा सवाल आ जाता है कि भई हम उनको साफ कैसे करें, तो इस तरीके से तो ये बड़ा इजी लगा। बड़ा इजी, बहुत इजी है चेंज करना पानी को, आपने देखा कि किसी फिश को हमें टच नहीं करना पड़ा है किसी फिश को, और किसी फिश को कोई डैमेज नहीं हुआ है, बड़ी आसानी से फिश को हमने पानी को चेंज कर दिया है, और फिशेज बड़ा जब पानी चेंज होता है हम 2-3 दिन में पानी चेंज कर देना चाहिए हमें छोटी फिशेज के लिए। अच्छा। क्योंकि इसमें कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है, ना ही कोई ऑक्सीजन लगे ना ही कोई फिल्टर लगा हुआ है, जिसमें पानी गंदा हो जाता है जल्दी, तो 2-3 दिन में बस पानी को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने का तरीका यही है आपको कि आधे से थोड़ा कम पानी वही पुराना रखना है, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन हो जाए नए पानी का और टेम्परेचर शॉक में हमारी फिशेज न जाए। अच्छा सर, एक सवाल मेरे पास और आया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास इस टाइप का फिश टैंक भी नहीं होता है जी। और हमें फिशेस मिल जाती है, मछलियाँ मिल जाती है जी जी। तो उस टाइप पे हम घर पे कुछ ऐसे कैसे फिश एक्वेरियम बना लें, उसके लिए कुछ आपके पास उसके लिए आप जीरो कॉस्ट में फिश एक्वेरियम बना सकते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट चैनल में हम आपको दिखाएंगे जरूर कि इस तरीके से जीरो कॉस्ट में आप एक फिश एक्वेरियम घर में ही बना सकते हैं, और वो भी घर में जो सामान कबाड़ा पड़ा हुआ है उसी के द्वारा बना सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. अगर बाय चांस अगर आपके पास इस टाइप का फिश टैंक भी नहीं है, फिश एक्वेरियम भी नहीं है, स्टिल डोंट लूज होप। ओके, अगर आपको फिशेज रखनी है तो घर पे इजिली अवेलेबल आइटम से भी हम एक फिश एक्वेरियम बना सकते हैं। सो प्लीज बी ट्यून विद Dip Tips for you in the next video, जहाँ हम देखेंगे कैसे हम लो कॉस्ट भी नहीं जीरो कॉस्ट फिश एक्वेरियम बना सकते हैं विद इजिली अवेलेबल आइटम एट योर प्लेस। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू सर फॉर गिविंग सच अ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो कि हम डेफिनेटली यूज करेंगे, आई गेस आप लोग भी यूज करेंगे।
तो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए डिप टिप्स फॉर यू के साथ एंड बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।